प्रॉपर डिसीजन लीजिए, जो जो डिसीजन जब पब्लिक खुश हो। तो ईडी आने से क्या फ़ायदा है कि मनी ट्रांजेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग का बारे में इंक्वायरी करेगा, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का भी वहाँ में इंक्लूड करके फिर एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दे के उसमें केस को तगड़ा कर सकता है। रिप्लेस ऑफ डाल इन वाइट का जगह में री एग्जाम करने में क्या प्रॉब्लम है? सुनने में आया आपने जो पीआईएल फाइल किया तो ईडी का प्रॉपर में वो उसमें आपने एडवोकेट नहीं लिया, तो उसका बारे में हम आपसे सुनना चाहेगा। थैंक यू कमिंग समाच। एक्चुअली ये रिसेंटली जो हम पीआईएल फाइल किया बिना एडवोकेट का, और हाँ लीगल काउंसिल तो हमने लिया है जो काउंसिल करके आइडा है, और लीगल टेक्निकल चीज़ को तो हम काउंसिल किया है। और यहाँ ऐसे है कि बाहर से एडवोकेट हायर करने से इतना एक्सपेंसिव है, और यहाँ का लोकल सीनियर वो नहीं मानता है पीएल ड्राफ्टिंग के लिए, और किसी किसी को फिर भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने खुद माना पिटिशनर इन पर्सन में जा के फाइल किया है। के लिए आपने पीएल किया तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि जो आप पीएल करना पड़ा, पब्लिक जानना चाहिए, जानना चाहता है उस चीज़ को? हाँ ये मैं एकदम ब्रीफ में कुछ क्लियरली बताना चाहूँगा। ईडी किस लिए रिक्वायरमेंट है ये जो केस में, क्योंकि ईडी इंक्वायरी नहीं होने के कारण से जो आदमी पैसा लिया है दिया है उनका जो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होने से कोर्ट में मतलब चार्जशीट में नहीं डाल रहा है, नहीं डालने के कारण से केस जो वीक होता है और जल्दी क्लोज हुआ। ये एक ऐसे इंस्टेंट भी हो चुका था 2014 में, एक केस रजिस्टर हुआ है, उसमें 5 आदमी का अरेस्ट हुआ है, सस्पेंड भी हुआ है, उसी में भी इस टाइप का केस कमज़ोर होके 2021 को केस सीजेएम से क्लोज हो गया था। तो इसको हम देखते हुए अभी जो ये ग्यामर पादंग का जो एक जब एक्सपोज करने का बाद एक फर्स्ट जो ए पेपर लीक केस का जो चार्जशीट कोर्ट में पहुंचा है तो बहुत कमज़ोर से आया, वीक चार्जशीट था वो, जो उसमें बहुत एविडेंस बेकअप नहीं है, प्रूफ नहीं है और बहुत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका कारण से केस कमज़ोर जा रहा था। तो मैं ट्रेल भी शुरू हो गया अभी, तो उसको हम देखते हुए मतलब लगा कि यहाँ में ईडी का जरूर है। ईडी आने से क्या फ़ायदा है कि मनी ट्रांजेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग का बारे में इंक्वायरी करेगा, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का भी वहाँ में इंक्लूड करके फिर एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दे के उसमें केस को तगड़ा कर सकता है। इसलिए मैंने ये केस को मतलब ईडी का भी मतलब बैकअप चाहिए, ईडी का सपोर्ट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए सीबीआई का साथ में, ज्वाइंट वेंचर सीबीआई और ईडी अगर काम करता है तो केस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए मैंने फाइल किया ये सेशन हाई कोर्ट डबल बेंच में, मैंने दो बार अभी अटेंड हो चुका है। तो एक केस टू पीएल टू एडमिट है, सिर्फ डायरेक्शन देना बचा है। मैं एक्सपेक्ट करता है कि जुडिशरी भी काम करे इस सिचुएशन में, पब्लिक का ऐसे हुए ऑन क्राई को दिख के डिसीजन लेना चाहिए, मेरा सोच है ये। पब्लिक जो 12 आवर्स बैन कॉल में पूरा सड़क पे उतर गया है, यहाँ वायलेंस चल रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में गवर्नमेंट को कैसा डिसीजन लेना चाहिए? तो अभी का सिचुएशन करेंट सिचुएशन में तो देखिए जो सॉल्यूशन है वो पब्लिक और गवर्नमेंट का बीच में है, लेकिन वो मेजर डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है, गवर्नमेंट का हाथ में ही है डिसीजन जो है कि कैसे पीस टॉक करना है। ऐसे भी है बाढ़ है ना, ब्लेस आर द पीस मेकर, तो गवर्नमेंट को इस समय में पीस मेकर बनना चाहिए मेरा हिसाब से, जो पब्लिक डिमांड जिनून हो रहा है उसको पूरा सॉल्व आउट करके एक एग्जाम्पल ये काम को तो कर सकेगा गवर्नमेंट ने यूपीसीएस में जो डिमांड कर रहा है उसमें दे दो, एक इंस्टेंट के लिए वहाँ एग्जाम कंडक्ट करा सकता है ताकि गवर्नमेंट को भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ का माहौल कैसे है, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे है, क्रॉस चेक करने को मिलेगा यहाँ का एक्सपेरियंट को भी, पब्लिक को भी, पेरेंट गार्जियन को भी। वहाँ में एक एग्जाम कंडक्ट किया है और उसका मतलब सर्विस को चेक कर, यहाँ का सर्विस वहाँ का सर्विस को चेक करने के लिए कमीशन और यूपीसीएस का सर्विस को, और कि एक कि नाबम निकपो को इतना पब्लिक शुरू से डिमांड कर रहा है उसको अरेस्ट करने में क्यों टाइम लग रहा है, तो कर सकता है। और निकपो का नीचे में भी बहुत लोग हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, सेक्शन ऑफिसर्स है और ऑफिशियल्स है, एग्जाम कंट्रोलर और भी है, उसको अरेस्ट करके पब्लिक को दिखाना है रियल मतलब यहाँ में जो
एक्शन लेना है, साथ मतलब दोनों काम होना है कि हाँ रिफॉर्म भी करना है, ट्रांसफॉर्म भी करना है, लेकिन एक्शन पार्ट को भी नहीं छोड़ना है। दो दो मतलब रिफॉर्मेशन का यहाँ जरूरी है। जो गलत किया गलत है उसको पनिशमेंट मिलना है, वो रिफॉर्मेशन भी होगा, करेक्टिव रिफॉर्मेशन। वो एक तो है कि जो पहले गलत किया उसको ट्रांसफॉर्म करना, सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना, वो भी करना है, दोनों करना है। और एक चीज़ है कि अभी ये डिमांड कर रहा है एस्पायरेंट लोग की नल एंड वॉइड करना है बोल के, तो ये चीज़ को गवर्नमेंट टू देखिए सबसे मेजर डिसीजन तो यहाँ है। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि चलो गवर्नमेंट चाहे तो उसको री एग्जाम तो करा सकता है ना। जब टॉपर ये फेक आ रहा है, बहुत सारा लोग टॉपर फेक आ रहा है, तो चलो कुछ पूरा एग्जाम को नहीं बोल दूँगा सही है, ऑलमोस्ट वहाँ में 92 एग्जाम है बोला ना, 14 से लेके 2022 92 एग्जाम है। 92 एग्जाम को तो पूरा रिकंडक्ट करो, तो मैं अपील नहीं करूँगा और बोला नहीं चाहूँगा। लेकिन जहाँ में बहुत सारा फेक टॉपर्स आ रहा है, फेक आ रहा है, उसको तो कुछ जगह में री एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए, री एग्जाम कराना चाहिए इन द प्लेस ऑफ डल इन वाइट के जगह में। री एग्जाम करने में क्या प्रॉब्लम है? तो गवर्नमेंट कुछ जगह में सीरियस डिसीजन भी लेना है टू अवॉइड ऑल दिस पब्लिक केओस, प्रोटेस्ट, रैली, धरना, बैंक कॉल से छुटकारा आना है, तो कुछ ऐसे भी करना है ना। ये मेरा अपील है गवर्नमेंट को ये सिचुएशन में, तो टाइम डिले नहीं करके इमीडिएट एक्शन मतलब डिसीजन, ये राउंड टेबल में बैठा बैठा के एक दो घंटा का भी काम है एक्चुअली गवर्नमेंट डिसीजन चाहने से। अभी ये सिचुएशन में पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिकल मोटिवेशन चाहिए। और यहाँ में जितना भी हमारे अरुणाचल का MP है, MLA है, आप लोग का जो पॉलिटिकल विल दिखाइए, आपका पॉलिटिकल मोटिवेशन को दिखाइए, आपने पब्लिक ने चुन के भेजा है पब्लिक सर्विस करने के लिए सोसाइटी समाज, खास के गरीब लोग के लिए, जो डाउन ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करने के लिए आगे ठेल के रखा है, इलेक्टेड करके रखा हुआ है। आप अभी चुप मत बैठिए, प्रॉपर डिसीजन लीजिए, जो जो डिसीजन से पब्लिक खुश हो, है ना। मैं यही करना चाहूँ, ब्लेसिंग तो उसी में है। थैंक यू।